हाय स्टूडेंट्स, प्लांट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट टू में कुछ आसान और बेसिक क्वेश्चंस को सीखेंगे और इसको बहुत ही आसानी से भी बनाने के लिए सीखेंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्या कह रहा है कि इफ़ अ बुक इज सोल्ड ₹4.575, ओके, देन प्रॉफिट इज 15%। एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेट 25% प्रॉफिट। तो देखिए, इसको हम लोग जितने तरीके से बना सकते हैं इसको दिखा रहे हैं। पहले हम देखिए, फर्स्ट वे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है, 15%। तो हम लोगों को पता है कि अगर प्रॉफिट हमारा 15% है तो एसपी क्या हो जाएगा, 15% होगा। ठीक है, तो देखिए, जब 15% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा 575 है। तो व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेट 25% प्रॉफिट। तो इसका मतलब 25% प्रॉफिट है, इसका मतलब हम लोगों को ये जानना है कि 125% बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसका मतलब 115% इक्वल्स टू 575, देयरफॉर 1% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 575/115। एंड हम लोगों को चाहिए कितना, 125% इक्वल्स टू क्या होगा, ओके, कितना हो जाएगा, 575/115 × 125। ये यहाँ से 5 times में कट गया, इसको इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 625। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 625। ओके, अब देखिए, इसको बनाने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं कि पहले देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 15%। फिर अगर 15% प्रॉफिट है तो हम लोग इसको इस रूप में तोड़ देते हैं कि 15/100। ठीक है, दूसरा में कितना परसेंट प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा, 25/100। ओके, अब देखिए, बेचा कितने में जा रहा है, 575 में। ओके, अब देखिए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब ₹15 प्रॉफिट है, ₹100 सीपी है, तो हमारा एसपी कितना रहा होगा, 115। तो 115/100 लिख लिए। हम लोगों को पता है कि सीपी इस केस में भी और सीपी इस केस में भी क्या होगा, फिक्स होगा। सीपी तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जिस मूल्य पर खरीदा गया, जिस कॉस्ट प्राइस पर खरीदा गया है, जिसे ₹25 का प्रॉफिट है, इसका मतलब यहाँ पर एसपी कितना रहा होगा, 125/100। ओके, क्लियर है। बेचा जा रहा है हमारा 575 में, ठीक है, कितना में बेच रहे हैं हम लोग, 575 में। क्वेश्चन में देख चुके हैं 575 में बेच रहा है, इसका मतलब इसको, ये जो हमारा, इसको 575 बनाना है। तो 575 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो यहाँ भी कितने से गुना करेंगे, 5 से, कितना हो गया, 575/500। ओके, अब देखिए, अगर सीपी 500 है तो हम लोगों को यहाँ पर भी सीपी कितना बनाना होगा, 500। तो 500 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 5 से, तो इसको भी गुना कर देते हैं, 100 × 5, चूँकि यहाँ पर 500 बनाना था, तो ऊपर कितना जाएगा, 625/500, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, जब 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 625। क्लियर है, तो आंसर फिर भी उसी तरह से आंसर आ गया हमारा, 625। यानी कि ये इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इस सवाल को। ओके, चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि इफ अ पेन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इज ₹5, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो देखिए, अगर प्रॉफिट हमारा 10% है तो हम लोगों को पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, 110% होगा। क्लियर है, तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट कितने परसेंट पर बेचा जा रहा है, 10%, तो कितना आया है, 5, यानी कि 10% इक्वल्स टू 5 आ जा रहा है। यानी कि अगर 10% इक्वल्स टू 5 है तो 1% बराबर क्या होगा, 1/2, यानी कि 1% बराबर अगर 1/2 है तो 100% बराबर कितना होगा, 50, और 110% बराबर कितना होगा, 55। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 50 रहा होगा, सेलिंग प्राइस 55 रहा होगा, तो आंसर इज सी। ओके, क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पुस्तक 20 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो हम बताए थे कि अगर लाभ प्रतिशत हो, प्रीवियस वीडियो में पार्ट वन में बता चुके हैं हम कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा किस पर निकाला जाता है? सीपी पर। सीपी मतलब क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या होता है या सीपी क्या होता है? जिस पर खरीदा जाए। इसका मतलब यहाँ पर सीपी कितना है? 20। एसपी कितना है? 30। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है? तो चूंकि एसपी ज़्यादा है सीपी से, ज़्यादा में बेचा गया कम में खरीदा गया, तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10। हम लोग पढ़े थे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10। 10 इंटू 100 बाय सीपी कितना? 20। अब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा? 5 कट के 50 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा? 50%। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, बोल रहा है कि इफ अ मिल्क मैन प्रोमिसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। देखिए, एक मिल्क मैन है जो बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस पर ही बेचते हैं, तो अगर वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि अगर एस पी सी पी बराबर हो तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बट ही मिक्सेज 1 लीटर वाटर इंटू 10 लीटर मिल्क, लेकिन वो 1 लीटर वाटर में 1 लीटर वाटर जो है 10 लीटर मिल्क में मिला देता है। फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंट। तो अब सोचिए जरा, पानी का तो कोई कॉस्ट होता नहीं जो मिला रहा होगा इसमें। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट होता होगा किसके वजह से होता होगा? इस वाटर के वजह से इसका प्रॉफिट होता होगा। और जो कॉस्ट प्राइस होता होगा, तो जो 10 लीटर का मिल्क है वह इसका कॉस्ट प्राइस होता होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी होता है। तो अगर यहाँ क्वांटिटी रखेंगे, अगर यहाँ प्राइस होगा तो यहाँ भी प्राइस रखना होगा, अगर यहाँ क्वांटिटी रखेंगे तो यहाँ क्वांटिटी रख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आया? तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है क्वांटिटी में 1 लीटर का, तो 1 लीटर इंटू 100 तो बाय सीपी का क्वांटिटी रखना होगा कितना? 10। तो कट जाएगा यहाँ से कितना जाएगा? 10%। इसका मतलब प्रॉफिट कितना रहा होगा इसका? 10%। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पर अगर अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट है, तो इंटू 100 बाय यहाँ भी क्या होगा? अमाउंट किसका? सीपी का। या फिर अगर यहाँ पर क्वांटिटी है किसका? प्रॉफिट का, तो इंटू 100 बाय यहाँ भी क्या होगा हमारा? क्वांटिटी होगा किसका? सीपी का। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द फेस वैल्यू ऑफ अ वॉच इज ₹600, ओके, एंड सेल इट एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, देन ही गेट्स 20% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका मतलब अगर फेस वैल्यू हमारा 100 रहा होगा तो एसपी कितना रहा होगा? ये 90%। अगर फेस वैल्यू 100% रहा हो तो एसपी कितना रहा होगा? 90%। फिर देखिए, अगर सीपी हमारा 100% रहा होगा तब हमारा एसपी कितना रहा होगा? 120% रहा होगा। क्लियर है? तो इसका फेस वैल्यू कितना है? 600। इसका मतलब ये हो गया कि 100% हमारा किसके बराबर है? 600 के बराबर। तो इसके हिसाब से एसपी कितना होगा? 90%। तो हम लोग को पता है कि 90% अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 600 बाय 100 इंटू 90। अब देखिए, ये जो है हमारा, ये तो हमारा 90% इसके हिसाब से है, और इसके हिसाब से कितना परसेंट के बराबर? 120% के बराबर। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एसपी है ये इसके हिसाब से 120% के बराबर है। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा? 600 बाय 100 इंटू 90। फिर 1% बराबर क्या हो जाएगा? 600 बाय 100 इंटू
90 by 120। फिर हम लोगों को सीपी चाहिए तो क्या चाहिए, 100%। तो 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 600 by 100 × 90 by 120 × 100। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 × 5 = 50 हो गया, यानी कितना 450। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए हम लोग इसको इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, देखिए क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कितना परसेंट बेचा गया है, 10% डिस्काउंट पर 100 रुपया में। इसका मतलब ये हो गया कि ये 600 का सेलिंग प्राइस 90% होगा, ठीक है। अब देखिए इनटू, अब इसके हिसाब से ये 120% में बेचा गया है, इसका मतलब ये टोटल 120% के बराबर है, इसका मतलब इसमें 120 से डिवाइड कर देंगे तो सीपी कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर, ठीक है। तो इनटू 100 कर देंगे, अब यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो फटाक से बन गया हमारा, यानी कि 950। यानी कि अब जब भी बनाएंगे तो इस सिस्टम को यूज़ करेंगे, ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था और ये इसका सबसे ईजी वे होता है, ओके। और भी इसी तरह के मज़ेदार सॉल्यूशन के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।